अब लोग इसके अंदर जो है कई मिसालें पेश करते हैं, लोग इसके अंदर ये मिसालें पेश करते हैं। अब इसके अंदर लोगों ने मिसालें भी बनाई हुई हैं, वो जज के पास जाना है तो वकील के पास जाना पड़ेगा, कलेक्टर के पास जाना हो तो चपरासी के पास जाना पड़ेगा, ट्रेन और इंजन वो बहुत सारी मुख्तलिफ इसकी जो है लोगों ने बना रखी है। पर अजीब बात है कि ये जो अल्लाह यहाँ पर कह रहा है तो उसको छोड़कर लोग ये चीज़ें बनाते हैं, तो वो हैं क्योंकि वो जज आपको जानता नहीं है, तो इसके लिए बगैर वकील को और आप कानून जानते नहीं तो आपको बीच में रखना पड़ेगा, उससे आपकी जो है मसला हल कराने के केस आपका है उससे जीतने के लिए आपको वकील को रखना पड़ेगा। वो कलेक्टर आपको जानता नहीं है तो हर कोई इसके अंदर घुस नहीं सकता, तो आपको चपरासी से जाकर एप्लीकेशन दिलवाना पड़ेगी। वो दुनिया के अंदर है, लेकिन फिर कुरान में जब अल्लाह ने कह दिया कि वो करीब है तो फिर उसको डायरेक्टली पुकारा जाएगा। अब ये जो आयत चल रही है सूरह बकरा की आयत नंबर 186, इससे पहले की आयत जो पिछले दर्स में हमने देखी थी 183, 184, 185, ये सारी जो है रमज़ान की आयत थी, रोज़ों के ताल्लुक से थी कि हमने तुम पर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया जैसे पिछली कौमों पर किया गया था, और उसके मसाइल बताए गए कि कौन रोज़ा रखे, कौन उसमें रोज़ा छोड़े, कोई फ़िदिया दे सकता है, और तमाम मसाइल उसके अंदर थे। अब ये चलते हुए रोज़े के आयत चल रही है, रोज़े के अहकाम चल रहे हैं, और बीच में एक ही आयत 186 आ जाती है जो अलग है, ऐसा लगता है कि अलग है। बात तो रोज़े की चल रही थी, और उसके बाद फिर 187, 188 में फिर वापस रोज़े की बात आ जाती, फिर 87 में आ जाता है कि तुम अल्लाह ने देख लिया तुम्हारी जो खयानत कर रहे हो, वो तुम रातों में अपनी बीवी के पास जाते हो तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रमज़ान के महीने में उसको हलाल कर दिया। अब फिर वापस तो शुरू हो जाती है इस आयत के बाद में। अब ये बीच में ये आयत आई तो अब ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आयत चलती हुई एक एकामात चल रहे हैं और उसके बीच में एक आयत जो है दुआ के ताल्लुक से आ गई, तो ये चल रही थी तो इसके अंदर ये बात गई कि फिर अब रोज़े की तफसील हम देखें तो रोज़े का सोम का मतलब क्या होता है? रुक जाना, रुकना, खाने पीने से रुकना, बुरे कामों से रुकना, तो उसका जो है लफ्जी माना जो उसका होता है लिटरली मीनिंग जो होती है कि रुक जाना, और जायज़ काम हो तो उससे भी रुक जाना, लेकिन रोज़ा है आपका, खाना आपके लिए हलाल है लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, जायज़ है फिर भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि रुक जाना उसका मतलब होता है हर चीज़ से वो रुकता है, बुराई से भी रुकता है, खाने से पीने से भी रुकता है, तो रुक जाए। तो अब ये है कि यहाँ पर ये बीच में ये बात आ गई कि यहाँ अल्लाह ने कह दिया कि मैं जवाब देता हूँ तो तुम सब दूर जाने से जिससे तुम दुनिया में जिसको पुकार रहे हो, और यहाँ बात रुकने की चल रही थी पूरी, सभी छः आयतों के 6 आयतें कुरान के अंदर रमज़ान के ताल्लुक से, रोज़े के ताल्लुक से, और यहाँ रुकने की बात कही जा रही थी कि इससे रुकना है, और फिर अल्लाह ने यहाँ पर कह दिया कि तुम जो है मैं तुम्हारी बात का तुम जो पुकारते हो मुझे तो मैं जवाब देता हूँ, तो रुक जाओ यहीं पर, अब मत जाओ कहीं पर, यहीं पर तुमको रुकना है, क्योंकि ये भी इसका ताल्लुक भी सोम से, तो ये बात भी इसके अंदर हमको अगर गौर फिक्र करें तो ये इसके अंदर मिल जाती है। तो फिर उसके लिए क्या करें कि तुम मुझे पुकारो मैं जवाब देता हूँ, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम क्या करो कि मुझ पर ईमान लाओ और दूसरों से मांगना रुक जाओ। अब ये रोजे के साथ है तो रुकना, यहाँ पर गैरुल्लाह से रुक जाओ तो फिर वो अल्लाह तुमको जवाब भी देता है। तो इंसान अगर कोशिश करेगा, कोशिश के साथ में दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है, उसको मिल जाता है, और उसको उसके साथ में उसको मुकम्मल यकीन भी होना चाहिए, ईमान भी उसका पूरा होना चाहिए, तो उसको मिलती है। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि यही रास्ता है, ये जो हिदायत वाला रास्ता है, और ये तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगा और सही रास्ता तुमको मिल जाएगा।